मुझे प्रोफेसर आपसे निवेदन करता हूँ सर हमारा मार्गदर्शन करें महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सम्मान्य मुझे मीरा भयंदर जिला कांग्रेस कमेटी के आज प्रभाग नंबर 17 और 19 के इस जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन पे मंच पे उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अंकुश मालुसरे नगर सेवक माजी जिला अध्यक्ष अनिल सावंत लीलाताई पाटिल मम्मी उमर कपूर दीपक शाह जुबेर इनामदार राजू मेहरा अशरफ शेख एडवोकेट खान एडवोकेट जी सी तिवारी बैजनाथ मिश्रा राशिद खान दिलीप दोषी अजगर पासा रुबीना सैयद सारा अक्रम चेतना पिल्ले रोजी ईरानी स्नेहलता मुद्गल रजनी गुप्ता राजकुमार मिश्रा श्याम सारे सरनजीत कॉलोन राम शेखरी साहब विक्रम बैजाल संजीव चौहान गोल्डी सिंह फारूक शेख लाल सिंह संदीप पांडे रेहान शेख दिनेश सक्सेना वंदेना सक्सेना फिरोज सैयद रियाज खान जईद वारसी फैजुल्ला शेख गंगाधरन जी मुकुल त्यागी माजी नगर सेवक फरीद शेख उमेश यादव विजेंद्रा यादव वैशाली वासनिक हुमेरा खान जिले जिला प्रभाग ब्लॉक कार्याध्यक्ष प्रमोद सावंत जिला प्रभाग ब्लॉक वार्ड यूथ महिला माइनॉरिटी एनएसयूआई सभी सेल के अध्यक्ष पदाधिकारी सभी यूथ कांग्रेस के मेरे साथी अनवर खान और उनके साथ के सभी राजा अय्यर यहाँ से लाइट में दिख नहीं रहा है ना तो कुछ लोगों के नाम रह गए होंगे शायद इन सभी मेरे सरकारी साथी दोस्तों भाइयों बहनों और दोस्तों और पत्रकार मित्रों क्योंकि एक अनिल चौहान साहब को मैं देख रहा हूँ अजीम भी है कहाँ है अंदर अच्छा पत्रकार दोस्तों ये जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन आज यहाँ किया गया है इसलिए मैं उमर भाई को और दीपक भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ हर चीज का एक योग होता है कई महीनों से इसका योग नहीं आ रहा था और आया तो गणेश चतुर्थी पर आया तो ये शुभ मुहूर्त पे आपने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन उमर भाई आपने किया है क्योंकि उमर भाई वो थोड़ा उस गाड़ी की जैसा है कि थोड़ा लेट सेल्फ लेती है थोड़ी लेट चालू होती है इन चालू होने के बाद में उसका एक्सीलेटर फुल चलता है एकदम फुल स्पीड में चलता है जो लोग उसको पहचानते हैं जोरदार ताली बजाएंगे तो उमर भाई सब लोग पहचानते हैं कि आपकी गाड़ी का जो सेल्फ है थोड़ा लेट चालू होता है और एक बार चालू हो गया तो रुकता नहीं अच्छा उमर कपूर का परिवार और हमारा परिवार पिछले 35-40 साल से 40 साल से भी ज्यादा होगा बल्कि तब से संबंध है उमर कपूर के परिवार के संदर्भ में आप सब लोग नहीं जानते हैं यहाँ पर एक भारत फोर्जिंग कंपनी होती थी बराबर है नाम भूला नहीं हुआ और इनका बड़ा खानदान पिताजी के 3-4-5 भाई सब राजस्थान से और फोर्जिंग का काम होता था मेहनत का काम होता था और वो ट्रेन के पीछे आप बड़ी बड़ी साखली देखते हो चैन उसका फोर्जिंग का काम होता था और हमारी छोटी सी एक छोटा सा कारखाना था मतलब इस रास्ते पे काशीमीरा भयंदर रोड पे 1970 में अगर सब में बड़ा कोई कारखाना था तो दो कारखाने थे तीन थे बल्कि एक स्पेशल स्टील का कारखाना था जहाँ पे अभी वो आपका हनुमान नगर सर्वोदय नगर वगैरह बना है वो एक भारत फोर्जिंग और एक जनकार स्टील नहीं जनकार इंजीनियरिंग और उसके बाजू में हमारी एक फाउंड्री हुआ करती थी पंजाब फाउंड्री जिसमें हम लोग कास्ट आयरन का काम करते थे मैं तो बहुत छोटा था और हमारे पास एक फियाट गाड़ी हुआ करती थी हमारे फादर के पास तो ये जो नगर सेविक यहाँ पे हुए ना अभी सुंबड़ वो रशीद सुंबड़ वो कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे तो वो मुझे अपने गोद में बिठाते थे और मैं फियाट गाड़ी उसके गोद में बैठ के स्टीयरिंग के बीच में से देख के चलाता तो ये जो 3-4 कारखाने यहाँ पे बड़े थे उसमें से एक बड़ा कारखाना उमर भाई का था तो कहने का तात्पर्य ये है आप लोग को कहना मैं ये चाहता हूं
कि उमर भाई भले आज के दिन में आपके बीच में एक कांग्रेस के कैंडिडेट करके आए होंगे, मगर जितने चुने इस शहर के नागरिक हम है उतना ही चुना उमर कपूर का परिवार। तो शहर को बनते हुए बढ़ते हुए इन्होंने भी देखा, इनके परिवार ने भी देखा है, मगर उमर भाई अभी इमारत जब बन जाती है तो बहुत से लोग अतिक्रमण करने भी आ जाते हैं। अब कुछ लोगों ने उसको ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है, अभी आपको वो अतिक्रमण हटाना है। वो मैंने इसके लिए बताया कि आप फोर्जिंग का काम करते थे, बड़ी बड़ी चेन बनाते थे, तो ताकतवर आदमी हो, मतलब हथौड़ा जोर से ठोकते थे तो आपको क्या ठोकना है, हथौड़ा ठोकना है जोर से, बात समझे आप, आपको हथौड़ा जोर से ठोकना है और ऐसा ठोकना है, कैसा ठोकना है, निस्त नाबूद कर देना, ऐसा आपको हथौड़ा ठोकना है। और ये हथौड़ा ठोकने के लिए आपको ये जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से जनता तक के जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाके जनसंपर्क करना, वही आपका हथौड़ा है। सभी पार्टी के वर्कर से मैं कहना चाहूंगा कि लोगों के पास हम जब तक जाएंगे नहीं, लोग आपको हमको पहचानेंगे नहीं। लोग इस बात को जानते हैं कि शहर में किसने क्या किया है, मगर जैसे शीशे पे धूल जम जाती है, आपको उसको साफ करना पड़ता है तो चेहरा साफ नजर आता है, उस तरह से आपको लोगों को जाके एक बात विशेष रूप से बताना होगा कि ये जो चुनाव है ये इस शहर का भविष्य, मुस्तकबिल, फ्यूचर निश्चित करने वाला चुनाव है। ये देश का मुस्तकबिल निश्चित करने वाला चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये असेंबली का चुनाव है, लेकिन असेंबली के चुनाव से भी ज्यादा आप अपने किस व्यक्ति को, किस नेता को, किस नुमाइंदे को, किस रिप्रेजेंटेटिव को विधानसभा में आप भेजोगे, जो जाके विधानसभा में आपकी बातों को रखेगा, ना के विधानसभा के नाम पे चुन के आकर के महानगर पालिका में कॉर्पोरेटर के जैसा बैठेगा। पिछले 5 साल का यह शहर का इतिहास है कि जो यहां से चुन के गया है वो सवेरे से लेके शाम तक, मतलब म्युनिसिपैलिटी का कर्मचारी भी शायद बाद में जाता होगा म्युनिसिपैलिटी, ये उससे पहले पहुंचता है। म्युनिसिपैलिटी का कर्मचारी भी शाम को 5:30 बजे बंद होता है म्युनिसिपैलिटी, ये मेरे ख्याल से उसके बाद में बाहर जाता है। तो आपको यह देखना होगा कि आपको विधानसभा में एमएलए को चुन के भेजना है कि एमएलए के नाम पे कॉर्पोरेटर को चुन के देना है।